प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो सशक्त बेटियां, एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकज जी को जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और वो आज उजागर करेंगी सच्चाई बोशाला सर्वे की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। तब से कमालुद्दीन की मस्जिद बन गई जी। अब जो सिनेरियो अब क्या है? सिनेरियो ये है कि फिर वही हुआ है कि भैया ये पहले जैसे हम लोग अयोध्या का सुनते थे कि ये तो बाबरी मस्जिद है, ये तो बाबरी मस्जिद है, इसके टुंब देखो, इसका किला देखो, इसके दरवाजे देखो। उसके बाद जब बिहाइंड द कर्टेन कर्टेन को उखाड़ करके निकाला गया तो अंदर से पान के पत्ते और सारी श्लोक और अध्याय निकलते चले गए। तो उसी तरीके से जैसे ही ASI ने इस पर सर्वे स्टार्ट किया उसमें सारे श्लोक और अध्याय निकल रहे हैं, उसमें दिया के चित्र निकल रहे हैं, उसमें भगवान की मूर्तियां निकल रही हैं, उसमें उस जमाने में जो चिराग जलाया जाता था, जो दीप जलाए जाते थे, उसके जो जालीदार जो दीवारें बनाई जाती थी वो भी निकल के सामने आ रहा है। भाई बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं अंजू जी जो मुसलमान अपने घर में नहीं बनाता है और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मुसलमान के घर में ही आपको मिलेगा, एट एनी कॉस्ट मिलेगा मुसलमान के घर में। आप अपने घर में जब मुझे इनवाइट कीजिएगा आपके घर के कहीं ना कहीं एक जगह पर भगवान जी स्थापित होंगे। अब चाहे वो गणेश भगवान को आप माने, चाहे शिव भगवान को माने आप, लेकिन स्थापित होंगे और वहां पर एक सजावट होगी। उसी तरीके से जब आप मुसलमान के घर आती हैं तो मुसलमान के किसी ना किसी अलमारी के ताक के ऊपर मुसल्ला और जानमाज और रेहल रखा होता है, हर हाल में होता है। तो इन्होंने जो स्ट्रैटेजी और जो घपला करने का जो तरीका जो अपनाया था निसार अहमद साहब ने, वो अब धीरे धीरे हिजाब खुलता चला आ रहा है। और ASI हमेशा सिरके के मोहम्मद रहे या कोई और रहे, ASI हमेशा से ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट को सामने रखता है। ASI ने न्यायपालिका को यहां तक बताया है कि बहुत सारे दीवार में आयतें लिखी हुई हैं, बहुत सारे जगह पर मुसलमानों के जो नक्काशी होती है वो भी दिखाई गई है। लेकिन इंटीरियर एक होता है ऊपर से रखना और जब इंटीरियर में हम आते हैं तो वो हिंदू धर्म के ही सारी चीजें मिलती हुई नजर आ रही। अभी इस मामले पर हाईकोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम समुदाय ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि ये जो 98 दिन में ASI ने रिपोर्ट तैयार की है वो इसको नहीं मानते हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको आपके व्यूअर्स को अंजू जी समझना पड़ेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड के पास, जमायतुल उलमाए हिंद के पास, देवबंद के पास इतना पैसा है जिसका अनुमान मैं और आप और यहाँ तक के ये भारत के लोग और यहाँ के नेता मंत्री भी नहीं लगा सकते हैं, जितना पैसा है। ये हर बात पर ये सर्वोच्च न्यायपालिका दौड़ करके जाते हैं पर जीत कभी भी हासिल करके नहीं आते। मैं फिर से आपको दोहराऊंगी, क्या ज्ञानवापी पे आपको दूर दूर से भी ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की जीत हो सकती है? सबसे पहला शब्द ज्ञानवापी, यह ना ही हमारे अरबी का शब्द है, ना ही हमारे अल कुरान में लिखा है, ना ही हमारे हदीस में लिखा है और ना ही अल कुरान के 30 पारे और वर्सेस और आयतों में ज्ञानवापी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। ज्ञानवापी इज अ सिंपल स्ट्रेट संस्कृत वर्ड, ठीक है। जब हम राम मंदिर का पूरा सिनेरियो फिर से उठा करके लेकर के आते हैं, ये फेल हो गए कि वो बाबर का बनाया हुआ था, ये नहीं बता पाए, ना इतिहास के पन्नों पे से बता पाए, ना अल कुरान से बता पाए और ना ही मुगल के वो सारे चित्र से वो बता पाए जिसमें शाहजहां पट्टे पर औरतों को लेकर के बैठा रहता था और अकबर जो है वो कोठा और चकला में बैठा रहता था और बाबर जो 9-9 साल की बच्चियों को अपने ख्वाबगाह में लेकर के सोता था,
यही चित्र सिर्फ दिखाई दिए, इसके अलावा कोई चित्र बाबरी मस्जिद का तो दिखाई नहीं दिया। अब ये मैंने आपको हिंदू वर्सेस मुसलमान की बात बताई है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुसलमान तो मुसलमान वर्सेस मुसलमान में भी नहीं जीत पाता है सर्वोच्च न्यायपालिका में। क्या हिजाब में आज तक जीत हासिल कर पाया कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम? कर पाया? नहीं कर पाया। अल कुरान के भीतर से क्या किसी भी आयतों से समझा पाया सर्वोच्च न्यायपालिका को कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम? क्या चित्र से, क्या क्या सारे सूरतों और आयतों से बता पाया कि प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में और बैटल ऑफ करबला और बैटल ऑफ बदर के जमाने में 680 एडी में और 620 एडी में कोई भी औरत जो है वो नकाब और बुरका पहनती थी? कौन सा बुटीक और कौन सा शोरूम था नकाब और बुरका का? नहीं बता पाया। तीन तलाक में क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जीत पाया? टाइम किलिंग किया उन्होंने 1984 से लेकर के 2017 तक, उन्होंने टाइम किलिंग किया, उन्होंने औरतों की उम्र को जाये किया, कोर्ट का वक्त जाये किया, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि कुरान भी कहता है कि तलाक जो है वो गुनाह है, वो अजाब, अ काइंड ऑफ अजाब। अब चले आइए एकदम एक हफ्ते के बाद में, जो मैंने आपके साथ भी कन्फ्रंट किया, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस। अभी फिर सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के नाराजगी पिटिशन करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन साबित कैसे करोगे भाई? क्या प्रॉफिट मोहम्मद औरतों के हक और हुकूक को मारते थे क्या? प्रॉफिट मोहम्मद क्या औरतों को एड़ियों के नीचे दबा के रखते थे क्या? अगर बोल देगा तो भाई पूरा इस्लाम ही कटघरे में खड़ा हो जाएगा, सारा मुसलमान ही कटघरे में खड़ा हो जाएगा। और अगर इतना इस्लाम मानते हो तो मुसलमान पुरुषों पर इस्लामिक पनिशमेंट क्यों नहीं लागू करते हो? आधा आधा मलाई खा रहे हो और आधा मलाई फेंक रहे हो, ये तो चलेगा नहीं। तो हिंदू वर्सेस हिंदू हो, हिंदू वर्सेस मुसलमान हो, या मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट करता है, पैसा बर्बाद करता है, पर किसी भी न्यायपालिका से कोई भी जजमेंट लेकर के अपने पक्ष में नहीं ला पाता है, क्योंकि उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है, उनका जो पिटिशन होता है, उनका जो प्लेंट होता है, वो सब झूठ के आधार पर सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने के लिए और क्रिटिसिज्म करने के लिए और टाइम किलिंग करने के लिए ही आधार पर लिखा होता है। पर नाजिया जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रहा है, ये जो महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का मुद्दा है उस पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने दो दिन पहले की थी जिसमें महिलाओं को भी बिठाया था, महिलाएं भी कह रही थी शरिया के खिलाफ है। तो महिलाओं को डरा धमका कर ही अपने वश में कर लेते हैं, और मुस्लिम महिलाएं शायद अपने अधिकारों के बारे में जानती नहीं है इसलिए उनकी बातों में आ जाती हैं, और अब तो महिलाएं सामने आके कह रही हैं कि ये तो शरिया के खिलाफ है, हम कैसे ले लेंगे भत्ता, वो तो शौहर ही नहीं रहा तो किस नाते उससे पैसा लिया जाए। देखिए, एक चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब देश के लोगों को और बाहर अरब के मुल्कों को, मुस्लिम कंट्रीज को, इवन जो फॉरेन कंट्रीज है उनको भी समझ में आ चुका है कि भारत में संविधान वर्सेस शरियत तो चल रहा है। कल तक पाकिस्तान से लेकर के, सीरिया से लेकर के, अफगान से लेकर के, अरब से लेकर के जो एक अफवाह उड़ाई गई थी असदुद्दीन अवैसी के और कांग्रेस के माध्यम से कि भारत में मुसलमान जो है वो अत्याचारित हो रहे हैं, अब ये बात तो समझ में आ चुका है कि भारत के 18 करोड़ मुसलमान जो है वो संविधान मानने को ही तैयार नहीं है जी। जो फॉरेन कंट्री में लैंड ऑफ लॉ को सारे सारे लोग मानते हैं, वहां भी निकाह पढ़ा जाता है, बिल्कुल पढ़ा जाता है, वहां भी लोग ईद और बकरीद मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं, लेकिन वो कंट्री अपने कानून का उल्लंघन मुसलमानों को करने नहीं देता है, सख्त से सख्त सजा देता है, अपना कानून वो चलाता है। अब आती है दूसरी बात कि क्या शरिया कानून कॉडिफाइड है? नहीं। क्या शरिया कानून को एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। क्या वक्फ बोर्ड एक्ट को एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। हमें बाद में, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हमें बाद में मुल्ला का शरिया एक्ट ला करके पढ़ना पड़ता है, पर एग्जाम शरिया लॉ का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जो अभी पढ़ रहे हैं अगर उनसे भी आप पूछिएगा तो वो कहेंगे कि हमारी बुक में शरिया कानून नाम का कोई। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाइक खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा,
और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ गौशाला की जो सच्चाई है उसको उजागर किया, आप सबके सामने रखा, बल्कि कैसे शांति दूत जो है वो हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करते हैं और लैंड माफिया का काम करते हैं, इसको भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।